चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। जनहटिया के नए एपिसोड में आपके पास रहे हैं। आज हम उस प्रासुक जल की बात करने आए हैं जो जिन बिंब और यंत्र से अभिषेक होने के बाद हमारे हाथों में आता है, वह पावन जल। कहते हैं आप सबने सुनी होगी मैना सुंदरी की कहानी, कथा हर को मालूम है। और उसने कहते हैं यंत्रों पर जो अभिषेक के बाद जल लिया, उसने उसको छिड़क कर अपने कोढ़ी पति साथ अनेकों कोढ़ दूरा कर कंचन काया प्राप्त की थी उनकी। और वह मिसाल आज भी सबके सामने अतिशय करती है। वह दल चमत्कारी जल जो है, अतिशयकारी जल, वह जिसे हम गंधोदक कहते हैं, वह कितना आनंद की अनुभूति देता है, शांति प्रदान करता है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, निरोगी काया देता है। ऐसा गंधोदक कहां लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और कहां लगाने से नुकसान भी होता है, निरोगी काया सुनाते हैं। शांत मन, आनंद की अनुभूति, पवित्रता की शक्ति, सुरक्षा कवच, बहुत कुछ है गंधोदक के अंदर। आचार्य जिनसेन जी ने महापुराण में लिखा है यह मुनिंद्रों के लिए भी माननीय है। संसार को पवित्रता प्रदान करने में अनुपम, अद्वितीय यह आकाशगंगा के स्थान जैसी प्रतीत होने वाली गंध अंबुधारा रक्षा करे सबकी। जिन बिंब स्पर्शित जल अनुपम अखंड कीर्ति कारक है। अभिषेक का यह गंधोदक कीर्ति, कल्याण, महाबल, निर्दोष, आरोग्य, दीर्घायु तथा नित्य सुख को करने वाला है। विश्व की आदि व्याधि को नष्ट करने वाला है। विषय व ज्वरों को उनका विनाशक और मोक्ष लक्ष्मी का प्रदाता है। कर्मों का हरण करने वाला है। विश्वास कीजिए आचार्य मांगनदी जी ने अभिषेक पाठ में भी कहा है, हे जिनेन्द्र देव, आपके स्नान का पवित्र जल गंधोदक मोक्ष रूपी लक्ष्मी के हाथों से ग्रहित असाधारण जल है। यह पुण्य रूपी अंकुरों की उत्पत्ति में सहायक है। नागेंद्र, देवेंद्र और चक्रवर्तियों के राज्य अभिषेक को संपन्न कराने वाला है। यह गंधोदक सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी लता की स्मृति कराने वाला है। यक्ष लक्ष्मी और जय का साधक है। श्रेष्ठ विद्वान व शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन के अनुसार इसे शरीर के उत्तम अंग में ही लगाना श्रेयस्कर है। कुछ इसे अर्ध शरीर में भी लगाते हैं, कुछ तो गंधोदक पी भी जाते हैं तो कुछ अपने ऊपर छिड़कते हैं, जमीन पर गिरता है, इसमें बहुत दोष लगता है। आगम अनुसार यह शुद्ध प्रासुक जल जिन बिंब से स्पर्श होकर ललाट, मस्तक, नेत्र परी धारण करने योग्य है। इसे कभी पीठ, नाभि आदि शरीर के किसी भी निम्न भाग में नहीं लगाना चाहिए। अधो भाग में पावन गंधोदक का स्पर्श भी दोषपूर्ण है। और हां, गंधोदक कभी पीना भी नहीं चाहिए, यह अधर्म है। ध्यान रहे, दीवारों पर छिड़कना, दुकान घर में छिड़कना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मस्तक पर क्यों? सिद्ध क्षेत्र में अपने गमन के भावों को लिए। और दोनों नेत्रों पर क्यों? दृष्टि एवं ज्ञान की विशुद्धि के लिए, ज्ञानावरणी एवं दर्शनावरणी कर्मों के उपशम के लिए। अब हमारी बात आप मानो या नहीं, पर जरा सुनते हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से। शास्त्रानुसार प्राचीन परंपरा में उज्जवर पद्मनंदी महाराज ने मात गंधोदक लगाने का स्थान ललाट कहा है। ललाट का अर्थ होता है ये भाग, इस भाग में लगाना चाहिए, यानी मस्तिष्क से ऊपर। दूसरी बात के बाद में किसी ने आँखों के ऊपर, पल आँखों के अंदर नहीं, आँखों के पलक के ऊपर लगाने की बात कही। ये दो स्थान ही अभी तक आगम में मिले हैं। पूरे शरीर में गंधोदक लगाना अनुचित है, गंधोदक का दुरुपयोग है, और वो गंधोदक फायदे के स्थान पर नुकसान करेगा। इंजेक्शन हर स्थान पर नहीं लगाया जाता, इंजेक्शन लगाने का स्थान निश्चित होता है। और जहाँ महाराज पेट में दर्द हो तो, अरे भाई पेट में दर्द होता है तो इंजेक्शन तो बाजू में या कूल्हे पे ही लगता है। मस्तिष्क पर लगा लेने से जहाँ तुम्हारी वेदना है उसका असर वहाँ हो जाएगा। इसलिए आगम की परंपरा को तो स्वीकार करना ही चाहिए। अन्य शरीर पवित्र नहीं है, अन्य शरीर निम्न अंग कहमाने जाते हैं, और गंधोदक उत्तमांग पर धारण कर जाता किया जाता है, शिरोधारी किया जाता है। इसलिए जो शरीर में फूटते हैं, सारे शरीर में लगाते हैं,
ये उनको कभी फायदा नहीं करेगा, नुकसान ही नुकसान है। गंधोदक तुमने लाभ के लिए लगाया और उसकी आसाधना तुमने की, विराधना की, तो आपको नुकसान ही होगा। गंधोदक इतना चमत्कारी अतिशयकारी है तो मैना सुंदरी ने अपने कोड़ीपति और सभी कोड़ियों के अंदर सारे शरीर पर लगाया कोड़ी दूर करने के लिए, तभी तो मिला था। यही पढ़ते हैं हम लोग और लोग कहते हैं क्यों ना जहां मेरे सर दर्द है, पेट दर्द है, टांग दर्द है, जहां वहां जहां रोग है वहां लगाने से जबा होगा। पर क्या शास्त्रों में यही लिखा है? सुनते हैं हम मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से, वह क्या बताते हैं मैना सुंदरी ने कहां लगाया, क्या सर्वांग में लगाया उसने या कहां लगाया और क्यों लगाते हैं, सुनियो। हिंदी के जो भजन है उनमें, और वो क्यों आए, क्योंकि वो एक नारी थी। नारी सभी पुरुषों को छू नहीं सकती थी, सभी पुरुषों, तो गंधोदक उसने सबके माथे पर छिड़क दिया। ये नहीं है कि गंधोदक से उसने सारे कोड़ को धोया हो या सारे शरीर को गंधोदक लगा। गंधोदक चूंकि नारी थी, उसने अपने हाथ में गंधोदक लेकर के सबके माथे पर डाल दिया, तो वो भजन में आ गया। गंधोदक छिड़का, छिड़का भी है तो भी वो सिर पर ही छिड़का है, ना कि पूरे शरीर पर छिड़का गया। और सिर पे छिड़कने के बाद वो बूंदें कहीं गिर जाती हैं वो बात अलग है, लेकिन उसने मस्तिष्क पर छिड़का, क्योंकि वो सबको तो लगा नहीं सकती थी और घाव इतने ज़्यादा थे कि वो सबके लिए साफ कर नहीं सकती थी। और चूंकि वो नारी है तो नारी सभी शरीर में तो कुछ गंधोदक लगा नहीं सकती थी, इसलिए वो नारी होने के नाते उसने गंधोदक को, अपन दूर से गंधोदक लेना सिर पर छिड़क देते हैं, मान लो कोई सूतक वाला है, गाय बैल पशु है, कोई निम्न जाति के लोग हैं, असुचि है, तो उसके ऊपर गंधोदक को दूर से ऊपर से डाल दिया, तो उसको बोलते छिड़कना, ऐसा पूरे शरीर में लगाया ऐसा उल्लेख तो मुझे मिला नहीं। वो लोग क्या करते हैं, असली में लगाने की परंपरा में भक्तांबर के श्लोक में आया है, एक उज्वर मानतुंग आचार्य ने लिखा, तद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंत मकर ध्वज तुल्य रूपा। दिग्ध देहा याने आपके चरणों की रस से जिसका शरीर लिप्त हो गया हो, शरीर लिप्त हो, उसमें एक दिग्ध देहा, दिग्ध देहा ने शरीर सारा लिप्त हो गया हो आपके चरणों की रज से, तो ये भक्ति में कथन मात्र आता है, कथन मानना चाहिए सिद्धांत नहीं। कथन का अर्थ होता है कि आप हमारे शरीर पर प्रभु आपका गंधोदक लिप्त हो गया, अब कोई करने की जरूरत नहीं। तो ये भक्ति में भक्तांबर में ऐसा कहने से लोग ये मानते हैं कि पूरे शरीर में गंधोदक का लेप होना चाहिए, वहाँ चरणों की रज को लिखा है, अर्थ यही निकल रहा है दिग्ध देहा। लेकिन जब उसका कोई सिद्धांत बनाया गया कि नहीं, ललाट पर और नेत्रों से नीचे गंधोदक नहीं आना चाहिए, तो ये सारी बातें जो हैं उपमा के रूप में, भक्ति के रूप में, कथन के रूप में ऐसा आ जाता है। बोल लिया आपने गंधोदक के बारे में। अब जब भी मंदिर जाए कल से रोजाना अभिषेक का जल लें साफ स्वच्छ हाथों पर, लीजिएगा दो बूंद लेकर पलक के ऊपर लगाएं, दो बूंद लेकर मस्तक पर लगाएं और फिर उसके बाद हाथ धोने के बाद ध्यान रहे वह गंधोदक वाला जल, हाथ वाला कभी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, यह उसका अपमान है, सम्मान के अंदर अपमान नहीं होना चाहिए। समझ गए ना आप? इसलिए आज आपको बताया था कि गंधोदक की महिमा कितनी निराली है, सुख समृद्धि देने वाली है, पर कहीं ना कहीं नुकसान नहीं हो यह भी बताने वाली है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। सादर जय जिनेंद्र।